राजा बीरबल शुक्रिया। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? दिन में पिशाच तो नहीं देख लिया आपने? मित्र बीरबल, हम जो देख रहे हैं अगर आप देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दिल में बजने लगेगी घंटियां और होठ प्रेम के गीत सुनाएंगे। पुरुषी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? छोड़िए, हमने आपको कहाँ पकड़ रखा है कि छोड़ दें? वही तो हम कह रहे हैं, यूँ आंखें फाड़ फाड़ के हमें देखना छोड़िए और हमारा हाथ पकड़ लीजिए। पकड़ लीजिए, पकड़िए ना। उरुषी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये नृत्यांगना से वीरांगना क्यों बनी हुई हैं आप? आपको पता है, जब से हमें पता चला कि उस पिशाच ने ये ऐलान किया है कि वो घर में पैदा होने वाले सबसे बड़े बच्चे को मार डालेगा, हमें आपकी बहुत फिक्र होने लगी। आप अपने घर के सबसे बड़े बच्चे हैं ना, और जब तक आप यहाँ रहेंगे ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। बस अगर ये बात है ना, तो हम इसी वक्त आपके साथ महल वापस चलते। चलिए। राजा बीरबल, हमें और इस गांव को छोड़कर मत जाइए, नहीं तो आज रात वो पिशाच हम सबको मार देगा। हमें बचा लीजिए। छोड़िए। क्या छोड़िए? यूं हाथ जोड़ना छोड़िए, हम आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। सच? बच्चों, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हम उस हत्यारे को पकड़ नहीं लेते, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मित्र बीरबल, आपने यहाँ रुकने का फैसला तो कर लिया है, पर यह भी सोच लीजिएगा कि आज रात उस पिशाच का मुकाबला कैसे करोगे। आज सुबह तो सूरज देवता ने हमें बचा लिया, आज रात को कैसे बचोगे? यही तो सोचने वाली बात है मित्र तानसेन, कि वो हत्यारा चाहता तो हमें मार सकता था, फिर सूर्य देव के निकलते ही वो भाग क्यों गया? हमें पता है, हमने सुना है कि भूत प्रेत और पिशाच अगर सूरज की रोशनी में ज्यादा देर रहे ना, तो जलकर मर जाते हैं। क्या हो रोशी, आप 16वीं सदी में भी भूत प्रेत पिशाच इन चीजों पर विश्वास करती हैं? हमने कहा ना आपसे, भूत प्रेत पिशाच ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। मित्र बीरबल, आपकी ये जिद हमें पिशाच के हाथों जरूर मरवाएगी। हम तो अभी भी कहते हैं कि किसी तांत्रिक या बाबा से मिलके लेते हैं राय, तभी सबकी जान बच पाएगी। मित्र तानसेन, अब जो भी करना है वो हमें ही करना है। यही दिन देखना बाकी रह गया था। रुकिया, रुकिए, हम अभी मासा को बुलाते, आज फैसला हो ही जाए। देखिए, आप सासू अम्मी को बुलाएं, उससे अच्छा आप पिशाच को ही बुला लीजिए। क्या? नहीं, देखिए, हम आपको मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हमें लगा वो पिशाच आया है, हमारी जान लेना चाहता है, इसलिए बस। आपको बस सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, वहां हमारा लाल, हमारा जिगर का टुकड़ा पिशाच के साथ लड़ने गया है, और आप है के? क्यों गया है? हमने भेजा उसे, अपनी मर्जी से गया है ना। आपने नहीं भेजा तो क्या हुआ? तीनों भाई साहब सलीम और वासु को इस रियासत की फिक्र है, वो लोग गए हैं मासा का आशीर्वाद लेकर। रानी साहिबा, आपकी मासा और उनका आशीर्वाद दोनों हमें बहुत भारी पड़ रहे हैं, हमें माफ कीजिए।
माधव 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 बेटा घर चलो। खेल लेते ना माँ। नहीं माधव चलो घर, वो पिशाच आने ही वाला होगा, चलो जल्दी। चलो चलो जल्दी घर चलो। अरे अरे चलो ना, भागो बच्चों, चलो 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 चलो, चलो। शाही पिशाच। बीरबल जी, जैसा आपने कहा था वैसा हमने कर दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चलकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे, अब आने दो उस पिशाच को। हम भी क्या बोल रहे हैं, उस हमलावर को। एक बार वो आ गया तो हम सब उसे उस दिशा में दौड़ाएंगे, उसका पैर उस फंदे में फंसेगा और हम उसे खींच लेंगे। बीरबल जी ये देखिए फंदा तैयार है। बहुत अच्छी, बस अब एक बार उस पिशाच का पैर इसमें फंस जाए। चलिए अब सब तैयार हो जाइए और जाकर अपने अपने मोर्चे संभालिए, और ध्यान से वो पिशाच कभी भी आ सकता है। चलिए चलिए। अरे आपके चक्कर में पिशाच के पीछे सुबह से जंगल में भटक रहे हैं। वो पिशाच तो मिला नहीं, उल्टा ये कीड़े मकोड़े ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया, वो अलग। देखो देखो तुम दोनों को घबराने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आज रात यहाँ पिशाच आने वाला है, अब मेरे दिमाग में उसे पकड़ने की एक योजना आई, एक बेहतरीन योजना। वो हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता, और उसे हम पकड़ कर ये साबित कर देंगे बीरबल से ज्यादा हम समझदार हैं। बस तुम दोनों आज रात हमारा साथ देना, ठीक है? सिर्फ आज की रात। हाँ, सिर्फ आज की रात। एहसान कर देना। आदो, अभी तो चलो यहाँ से चलते। अरे ये रास्ते के बीच में रस्ती किसने रख दी है? किसी का पैर फंस गया तो फेंको इसको उधर। चलो अब। नहीं मानोगे तुम लोग, नहीं मानोगे। मेरी तरह सिद्धि हो, नहीं मानोगे। तो आओ पकड़ो मुझे, आओ पकड़ो मुझे, आओ आओ पकड़ो। देखा गांव वालों, हमें जो उलझाने की कोशिश करता है उसे हम ऐसे ही जाल में उलझा देते हैं, क्योंकि शाही खून हम। बहुत बहुत शुक्रिया
वजीर आजम, आपने इस पिशाच को पकड़कर हम गांव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया। अरे गांव वालों, देख क्या रहे हो, बलदेव जी को उठाओ, कंधे पर उठाओ। सबको काट दूंगा, सबको, सबका खून पी जाऊंगा। तुम लोग एक पिशाच को बंद करके नहीं रख सकते, नहीं पकड़ सकते एक पिशाच को। ये तो वाकई बहुत खतरनाक है। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो अभी। क्या अभी, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। भगवान जामुना, ये पिशाच तो सचमुच बहुत ही डरावना था। आप ही के खानदान का लगता है। कहीं किसी मेले में बिछड़ तो नहीं गए थे आप लोग दोनों? कठोर, अब के उसे दामाद सा राणा बलदेव सिंह ने खूनी पिशाच के पकड़ के ये साबित कर दियो से कि वो थारे बीरबल से बेहतर से। जापना, हम अब भी भूत पिशाच में विश्वास नहीं रखते। कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अरे बिरबल, अपनी हार मान लीजिए ना, मान लीजिए कि आज तक जो आप नहीं कर सके वो आज भाईसा ने कर दिखाया। रानी साहब ठीक कह रही हैं। बिरबल, आप अब भी कह रहे हैं कि आप इनमें विश्वास नहीं करते। हम भी इन चीजों में मानते नहीं थे, लेकिन आज पिशाच को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, अब कैसे नहीं माने। और वजीर आजम, सचमुच में मानना पड़ेगा। पहली बार हमें लग रहा है कि इस काम की जिम्मेदारी हमें बीरबल को नहीं आपको देनी चाहिए थी। एक बार वजीर आजम के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जापना माता। जहांपना, आप ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए, देखिए हम क्या क्या करते हैं। आपको और किसी की जरूरत नहीं रहेगी। लीजिए, एक बार फिर हम जीत गए। आज हम इतना जीत क्यों रहे हैं? बीरबल, क्या बात है, आप इतने खोए खोए क्यों हैं? जापना, हम उस पकड़े गए पिशाच के बारे में सोच रहे थे। पता नहीं क्यों हमारी छठी इंद्रिय हमसे चीख चीख कर कह रही है कि अब भी ऐसा कुछ है जो हमारी नजर में नहीं आ रहा। जापना, जापना, गजब हो गया। क्या हुआ? जापना, कल रात पिशाच ने गांव के दो लोगों को और मार डाला। ये कैसे हो सकता है? अरे वो पिशाच तो हमारे कैदखाने में कैद है, वो कैसे किसी को मार सकता है? जापना, हम पता लगा लेंगे। नहीं बलदेव, गलती हमारी है। बीरबल ने हमें आगाह किया था कि कुछ कमी रह गई है, कोई चीज तो है जो छूट रही है, लेकिन हमने इनकी बातों को माना नहीं, इनकी बातों को समझा नहीं। बीरबल, आप सच्चाई का पता लगाइए। जो भी हो, हमें इस पिशाच की कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना है, हमेशा हमेशा के लिए। जो हुक्म जापना। मत जाओ, ये गांव छोड़कर मत जाओ, घर छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, ये पिशाच नहीं आएगा यहाँ पे, मत जाओ, ये गांव छोड़कर मत जाओ, कोई मत जाओ, अपना अपना घर छोड़ के मत जाओ, आप भी मत जाओ, ये घर छोड़कर मत जाओ, अपना अपना गांव छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। मुखिया जी, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं?
बीरबल जी, हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है। एक पिशाच पकड़ा गया तो दूसरा आ गया। सभी अपनी अपनी जान बचाकर ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। गांव छोड़कर जा रहे? पर इन सबके घर जमीन सभी इसी गांव में है, तो फिर सभी अपना घर अपनी जमीन बेचकर जा रहे हैं। बेचकर? इतने कम समय में इन्होंने अपना घर अपनी जमीन बेच कैसे दी? बीरबल को गए हुए 2 दिन हो गए, उनका अब तक कोई अता पता नहीं है। मैं तो डर है कि उस पिशाच ने फिर से किसी की जान ना ले ली हो। राजा बीरबल आ गए, राजा बीरबल। बीरबल, बीरबल आ गए। लाने की क्या जरूरत? जा बना, अब वो पिशाच किसी की जान नहीं लेगा, क्योंकि हमने पिशाच को पकड़ लिया, फिर से पकड़ लिया है। अरे पहले से एक पिशाच तो हमारे कैद खाने में है, अभी दूसरा पिशाच। ये हमारी रियासत में क्या पिशाचों का परिवार आ गया है? फिर चलिए, अच्छा किया आपने इस पिशाच को पकड़ लिया, इसे हमारे सामने पेश किया जाए, हम देखना चाहते हैं इस पिशाच को। जी जापला। सिपाहियों, अपना ये तो साधारण इंसान है। बीरबल जी, आप किसे उठाकर लेके आए? हम समझाते हैं बलदेव जी। जा बना, जब हम गांव में तहकीकात करने पहुंचे तो हमने देखा कि ज्यादातर गांव वाले अपने घर और जमीन को पिशाच के डर से सस्ते दामों में बेचकर गांव हमेशा हमेशा छोड़कर जा रहे। एक बात चौंकाने वाली थी जापर, कि वो सारे घर और जमीन एक ही आदमी खरीद रहा था, और वो था ये गिरधारी लाल। गांव वाले मुसीबत में मर रहे थे, लेकिन उसका फायदा हो रहा था गिरधारी लाल को। तभी हमें शक हुआ कि हो ना हो इस पिशाच की कड़ी कहीं ना कहीं गिरधारी लाल से जुड़ी हुई है। हमने इस पर नजर रखना शुरू किया, और तब हमने देखा कि गांव के ज्यादातर लोगों की जमीनें हमने खरीद ली हैं, बस एक दो लोगों की जान और जाएगी तो बाकी के लोग भी डर के मारे अपनी जमीन बेचकर इस गांव से भाग जाएंगे, और उसके बाद गांव के नीचे की सोने की खानों का सारा सोना मेरा हो जाएगा, गिरधारी लाल का हो जाएगा। आज का शिकार करने का वक्त हो गया है।
लेकिन जहां पना हमने जिस पिशाच को पकड़ा है उसके तो दांत और नाखून असली हैं और उसके आंखें भी लाल हैं। बिल्कुल है बलदेव जी, मगर वो कैसे हैं और क्यों हैं? ये आपको गिरधारी लाल बताएंगे। बताइए गिरधारी लाल। जहां पना जिस आदमी को आपने पिशाच समझकर पकड़ा हुआ है उसका नाम सोहन है। उसे दिन में ना दिखने की बीमारी है। सूरज की रोशनी उसकी आंखों को प्रकाश नहीं होती। उसी का इलाज कराने के लिए वो हमारे पास आया था और हमने उसका इलाज करने के बहाने उसे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां खिलाई कि उसका मानसिक संतुलन हिल गया और फिर हमने धीरे धीरे उसके दिमाग पर यह बात डाली कि वो आदमी नहीं पिशाच है और आदमियों का खून पीकर ही वो जिंदा रह सकता है। कुछ अरसे के लिए हमने उसे अपने तहखाने में डाल दिया ताकि उसकी नाखून बढ़ जाए और जड़ी बूटियों से उसकी आंखें लाल हो जाए। और जहां पना जब ऐसा हो गया तो मैंने उसे पिशाच बनाकर गांव में छोड़ दिया। और फिर जहां पना इनकी बनाई योजना के अनुसार सोहन गांव वालों को मारकर उनका खून पीने लगा। लेकिन जब सोहन पकड़ा गया तो इन्हें इनका मकसद नाकामयाब होता हुआ दिखाई पड़ा। चंद गांव वाले बचे थे, इनके पास और कोई चारा नहीं था। इन्होंने खुद इसीलिए पिशाच बनकर अपने काम को आगे बढ़ाया। और बलदेव जी रही बात पिशाच के भयानक दांतों की, तो ये रहे वो दांत। नकली हैं, सोहन के मुंह से हमने खुद निकाले। यहां पर अगर कोई सच्चे मायनों में पिशाच है तो आप हैं गिरधारी लाल जी, लालच के पिशाच। पहले तो आपने सोहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की, साथ साथ में कई गांव वालों की जान भी ली। सिपाहियों ले जाओ इस आदमी को हमारी आंखों के सामने से और उसी सोने की खान में गाड़ दो जिस सोने के लालच में वो यहां वहां भटक रहे। अब जाइए और जाकर उसी सोने के साथ सोना ले जाइए इसे। रहम रहम जहां पना रहम रहम जहां पना रहम। वजीर आजम जहां पना सारे गांव वाले जो गांव को छोड़कर चले गए थे उन्हें एक बार फिर गांव में लाइए। उस गांव को बसाने की जिम्मेदारी अब आपकी। जी जाओ। और सोहन के इलाज का खर्चा शाही खजाने से दिया जाएगा। जी जाओ। बलदेव इसे कहते हैं पिशाच पकड़ना। अब क्या हो गया आप दोनों को, पिशाच सूं गया? पिशाच सूं गया।